महाराष्ट्र में शिंदे राज की शुरुआत हो चुकी है और शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर ऐसे वक्त में शपथ ली है जब मुंबई मानसून की बारिश से पूरी तरह तरबतर है। ये मुंबई और आसपास के इलाकों में आज की तस्वीरें हैं। मानो कुदरत की ओर से नई सरकार को ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका सामना इसी चुनौती से होने वाला है। मुंबई जो कि दौड़ने भागने और हमेशा चलते रहने के लिए जानी जाती है, वो मुंबई बरसात के दिनों में इस कदर डूब जाती है कि सरकार और बीएमसी पर हमेशा सवाल उठते हैं। अब महाराष्ट्र में सत्ता बदली है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शहर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलेगी। वैसे बारिश तो कल से ही रुक रुक कर हो रही है, लेकिन आज सुबह से कई इलाकों में बारिश ने ट्रैफिक को प्रभावित किया। कहीं पानी जमा है तो कहीं सबवे बंद है, एक्सप्रेसवे पर जाम के हालात हैं। मुंबई के लोगों को सुबह शायद ये उम्मीद रही होगी कि सत्ता के नए सरकार बारिश के पानी में उतरकर शहर के लोगों का हालचाल जानते दिखेंगे, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे कल रात सीधे गोवा गए जहां उनके साथी विधायक होटल में उनका इंतजार कर रहे थे। शिंदे को बगावत में इन्हीं विधायकों का साथ मिला है जिसके बाद वो सूबे की सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं, लिहाजा सबसे पहले मेल मुलाकात का अधिकार तो इन्हीं विधायकों का बनता था। अब जब सरकार बन चुकी है तो उम्मीद है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर मुंबई को बारिश से होने वाली समस्या से निजात दिलाएंगे। शुरुआत सरकार की तरफ से हो चुकी है। मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने बीएमसी हेडक्वार्टर दोपहर को पहुंचकर आपदा प्रबंधन टीम से बातचीत की। शेलार ने मॉनसून की तैयारियों का जायजा भी लिया। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है बीएमसी। इसी बीएमसी पर मुंबई को संभालने की जिम्मेदारी है। बीएमसी पर इस वक्त शिवसेना का कब्जा है। कुछ दिनों बाद बीएमसी के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में सत्ता का जो उलट पुलट हुआ है उसके पीछे एक गणित बीएमसी पर कब्जे का भी है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की प्लानिंग शिवसेना में सेंध लगाकर सबसे बड़ी महानगर पालिका पर कब्जा करने की है। बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती तो बीएमसी चुनावों के दौरान इमोशनल कार्ड खेलते हुए उद्धव ठाकरे ये कह सकते थे कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए उनकी पार्टी तोड़ दी, और अगर ऐसा होता तो बीजेपी का मूल मकसद ही फेल हो जाता। लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के हाथ से वो हथियार भी छीन लिया। बीएमसी का इस साल का बजट 45,949 करोड़ का है। इसमें जल निकासी के लिए बजट 2,132 करोड़ का है। बीएमसी के अधीन करीब 1,29,00,000 की आबादी आती है। साल 1996 से बीएमसी में शिवसेना का मेयर है। एक बार बीजेपी के हाथ में बीएमसी की सत्ता आ गई तो फिर उद्धव ठाकरे राजनीतिक और रणनीतिक दोनों तरफ से कमजोर हो जाएंगे, और सत्ता के खेल के इस पूरे एपिसोड में बीजेपी का मूल मकसद यही है। 2017 के मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीएमसी पर कब्जे के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर हुई। इस मुंबई महानगर पालिका चुनाव की 227 सीटों में से शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती। अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के अलावा बीएमसी पर अपना मेयर बिठाना चाहती है। अब जरा मुंबई से बाहर निकलिए। मानसून के इस मौसम में महाराष्ट्र के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कभी सांगली डूबता है तो कभी रायगढ़ और कोल्हापुर। पिछले साल की ये तस्वीरें देखिए जब रत्नागिरी जिले का चिपलूण शहर पानी में समा गया था। अगर पिछले साल की बात करें तो जुलाई महीने में महाराष्ट्र के 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इनमें रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, ठाणे, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, पुणे, वर्धा और मुंबई उपनगर शामिल हैं। इसके अलावा भी करीब आधा दर्जन और जिले हैं जहां बाढ़ का असर दिखता है, और नई सरकार और नए सीएम के सामने सबसे पहली चुनौती इसी से निपटने की होगी। जहां तक मुख्यमंत्री शिंदे का सवाल है तो शिंदे बाढ़ और बारिश के पानी में उतरने से कभी कतराते नहीं दिखते। ये पिछले साल का वीडियो है जब 24 जुलाई को रायगढ़ जिले में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई थी। तब एकनाथ शिंदे प्रभावित गांवों में पैदल घूम रहे थे, लोगों को भरोसा दे रहे थे और अफसरों को जरूरी निर्देश। शिंदे का एक और वीडियो देखिए जो साल 2019 का है।
इनके अपने इलाके में 27 जुलाई को महालक्ष्मी एक्सप्रेसवे बाढ़ के पानी में फंस गई थी। करीब 700 से ज्यादा लोग बदलापुर में फंसी ट्रेन के अंदर थे। उस दौरान शिंदे मंत्री थे और पैदल पानी में उतरकर राहत बचाव का काम देख रहे थे। इस दौरान एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय दुबे ने एकनाथ शिंदे से बात भी की थी। लोकल जो सिस्टम है, रेस्क्यू टीम है, वो सब लोग काम कर रहे थे। अभी बहुत से सभी लोगों को निकाला है, कुछ लोग है उनको भी निकाल रहे हैं। अभी जो रेस्क्यू का बात आप कर रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, जो लोग रेस्क्यू होके आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने मदद की, पर प्रशासन के पहुंचने में बड़ी देरी हो गई, घंटों भूखे प्यासे रहना पड़ा। ये बात देखिए, अभी रात से बारिश गिर रही थी, बहुत जोरों की बारिश थी और इसमें सभी जो यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी पानी के नीचे थे, इसलिए बचाव कार्य में जरूर कुछ अड़चने आई है, लेकिन अभी सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अब शिंदे के सामने सबसे पहली चुनौती यही है कि इस तरह के हालात फिर न बने, इसकी तैयारी सुनिश्चित करें, क्योंकि अब शिंदे ही सरकार है और सरकार ही शिंदे है। फिलहाल तो शिंदे के सत्ता पथ पर चुनौतियों की झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में सी वोटर के सर्वे का आज का सवाल आपके सामने रख देते हैं। शिंदे को सीएम बनाने का फैसला सही या गलत? आंकड़े आपके सामने, आप देख सकते हैं 56% कह रहे हैं कि बिल्कुल सही फैसला है, हालांकि 44% इस फैसले को गलत मान रहे हैं। पूर्णिया सिटी जानी ना। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।